अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके लिए चाइनीज सूप की रेसिपी लाई हूँ, जिसके लिए चीज़ें ली है मैंने। ये चिकन है, ये 100 ग्राम है, ये शिमला मिर्च है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है, और ये बंद गोभी है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है, और ये गाजर है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है, और ये एक अंडा लेके फेंटे मैंने, और ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, और ये एक सब्ज मिर्च लेके काटी है मैंने, और ये एक टीस्पून मैंने लहसुन लिए, ये एक टीस्पून मैंने अदरक लिए, ये 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिए, और ये एक टीस्पून मैंने नमक लिए, और ये एक टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, और ये एक टेबलस्पून मैंने सोया सॉस ली है, और ये एक टेबलस्पून मैंने लेमन लिए, और ये एक टेबलस्पून मैंने सिरका ली है, और ये एक टीस्पून मैंने जिनोमोतो ली है, और ये तकरीबन 1 लीटर पानी है। अभी मैं अपने चिकन को और सब्जियों को ग्राइंड करूंगी। मैंने अपने गैस की फ्लेम को ऑन कर ली है, और अभी मैं इसमें डालूंगी पहले ऑयल। ये 2 टेबलस्पून ऑयल है, और ये 1 टीस्पून मैंने लहसुन डाला इसमें, मैं इसको थोड़ा ब्राउन करूंगी। अभी लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है, अभी मैं इसमें अदरक डालूंगी, और फिर मैं अपनी सब्जियों और चिकन का मेज़ा जो मैंने ग्राइंड किया है मैं वो डाल दूँगी। हमारा 5 से 10 मिनट में भून चुके हैं, और फिर अभी इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। अभी मैं तकरीबन 2 लीटर पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी मैं नमक ऐड कर रही हूँ, अभी काली मिर्च डाली है। अगर किसी ने अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा नमक डालना है तो आप डाल सकते हैं। अभी मैंने चाइनीज़ नमक डाला है, और अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। सूप हमारा तकरीबन 10 मिनट तक पक गया है, हम इसको देखते हैं। अब मैं इसमें चिकन क्यूब डालूंगी और इसको मैगी भी कहते हैं, और अभी मैं सोया सॉस डाल रही हूँ, अभी मैं लेमन डाल रही हूँ, और अभी इसमें मैं
कॉर्नफ्लावर आट डाल रही हूँ, इसको पानी में मैंने मिक्स कर लिया है। और एक हाथ से मैं कॉर्नफ्लावर डालूंगी और दूसरे हाथ से मैं इसको हलाऊंगी। अभी थोड़ी थिकनेस आ जाएगी इसमें और फिर मैं इसमें अंडा ऐड करूंगी। अभी मैं इसमें अंडा डाल रही हूं। अभी मैं 5 मिनट तक इसको पकाऊंगी और फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी। चाइनीज सूप हमारा रेडी हो चुका है, अब आप इसको पिए और एंजॉय करें और मेरे पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।